हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ। मैं कोलकाता शिफ्ट हो गया हूँ, प्रशांत भी कोलकाता शिफ्ट हो गया, इधर एडमिशन हो गया है साई में, और हम लोग अभी साई में हैं। काफ़ी बड़ा है ये, अब ये फुटबॉल ग्राउंड है इधर का, काफ़ी बड़ा है। साई भी बहुत बड़ा है, हम लोग भी मतलब अभी हमको हो गए 2 महीने इधर, तो ब्लॉग काफ़ी लेट डाल रहा हूँ। और अभी अच्छी चल रही है प्रैक्टिस वगैरह, सब काफ़ी दूर आ रखे हैं घर से, मज़ा आ रहा है इधर प्रैक्टिस करने में। आप देख सकते हो हमारा आर्चरी वाला ग्राउंड अभी पीछे की साइड है, आपको इधर का सब दिखा के फिर चलेंगे। अभी बारिश हो रही थी, इधर बारिश कभी भी होती रहती है, कुछ नहीं पता कब चालू हो जाए, इसलिए छाता होता सब अपने साथ रखना पड़ता है। ये हॉकी ग्राउंड है, आज संडे है इसलिए बंद पड़ा हुआ है। इधर काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको कल दिखाऊँगा मंडे को, आज संडे है। और ब्लॉग आज शाम को डाल दूंगा या कल सुबह डालूंगा, देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से टाइम नहीं मिलता। अगर आज टाइम मिला तो आज एडिट करके आज ही डाल दूंगा। ये देखो, ये फुटबॉल वाला ग्राउंड है। हम लोग अभी बाहर गए थे, मैं और प्रशांत, मज़ा आया, बहुत दिनों बाद निकलते हैं, पूरा एक हफ्ते बाद बाहर निकलने को मिलता है। अंदर ये इधर की दुनिया और बाहर की दुनिया बहुत अलग है, बहुत शांति है इधर। बोलते ना खेलेंगे टेनिस, ये टेनिस कोर्ट है, दिखाता हूँ आप लोगों को, ये टेनिस कोर्ट है इधर का। अभी कोई भी नहीं है, संडे है, बारिश भी पड़ रही है तो थोड़ा ख़राब सा हो रखा है। और ये फुटबॉल का ग्राउंड है, जो बच्चे इधर मतलब बाहर से आते हैं प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो वो लोग इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं या खेल सकते हैं। ये देखो आप, ये पीछे है ना, ये इंडोर का है, इसके अंदर हम लोगों का जिम वगैरह सब है। देखते हैं अगर खुल रहा होगा तो आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ, पर मुश्किल खुल रहा होगा क्योंकि आज संडे है, और किसी दिन दिखाऊंगा। एक तो मैं प्रैक्टिस के टाइम व्लॉग वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, मतलब अलाउड क्या, हम लोग खुद नहीं बना पाते, टाइम ही नहीं मिलता कि या तो व्लॉग ही बना पाएंगे या प्रैक्टिस ही हो पाएगी, इसलिए काफ़ी टाइम बाद व्लॉग वगैरह डालता हूँ। शॉर्ट्स वगैरह डालते रहता हूँ मैं अपने आईडी पे, और इंस्टा पे भी डालता रहता हूँ और यूट्यूब पे भी डालता रहता हूँ। शायद खुल रहा है पर देखते हैं, अंदर जा सकते हैं नहीं, बंद पड़ा हुआ है। गार्ड अंकल से पूछा था, वो मना कर रहे हैं कि आज नहीं जा सकते, तो मंडे को दिखाते हैं, कल दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है अंदर से। अभी चलते हैं, आपको एथलेटिक्स वालों का ग्राउंड दिखाता हूँ, फिर अपना ग्राउंड दिखाता हूँ, देखते हैं, देखो कैसा लग रहा है साई अंदर से। मंगल भैया में पानी है वाली है क्या? वो जो उधर सारी जो भी है उधर अकेडमी वाली, हम पीछे की साइड घूम रहे हैं साई के, जो पीछे वाला एरिया है और आगे वाला उस साइड है, चलते हैं उधर दिखाता हूँ आपको। बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, यहाँ पर फिजियो वगैरह सब रहते हैं हमारे, डॉक्टर वगैरह, मतलब अगर कुछ भी पेन वगैरह हो गया है, कुछ इंजरी हो गई तो आप लोग इधर आके दिखा सकते हो उन लोगों को। और सब अंदर ही है, सब फ्री है, इतने दिनों से सब पैसे दे के कर रहे थे, जब से ट्रायल निकला सेलेक्ट हुए हैं तो फिर अब इधर आके सारी मसाज वसाज जो भी करवाना है, थेरेपी वगैरह करवानी है, तो सब अंदर हो जाती है, बंद पड़ा है सब, सब लोग छुट्टी पे हैं। ये देखो, ये हमारे हॉस्टल का रास्ता है, जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ, थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर शाम को दिखाता हूँ और आपको बाहर का, शायद थोड़े बहुत बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। चल ठीक है। ये हमारा आर्चरी का ग्राउंड है, थोड़े बहुत बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और टारगेट वगैरह सब इधर रखे हुए हैं कि बारिश हो रही है ना तो अंदर रख दिए, जब भी प्रैक्टिस करनी होगी तो बाहर चले जाएंगे, मतलब बाहर इनको शिफ्ट कर देंगे। बहुत सारे टारगेट वारगेट हैं, ये उधर स्टेडियम है फुटबॉल का, बहुत बड़ा मैच होते हैं उधर, सब लोग आते हैं, सुनील छेत्री वगैरह रखे हुए हैं अपनी शूटिंग वगैरह देखने के लिए, पर शूटिंग कम लोग अपने आप को ज़्यादा देखते हैं इसमें। अब चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये हम लोगों का हॉस्टल है। देखो ये मैस है, ये पूरी मैस है साई की, जो खाना है वो खाओ, इतना मस्त मस्त खाने को मिलता है, घर पे भी नहीं मिलता हम लोगों को, उससे बढ़िया बढ़िया इधर मिलता है। ये अभी चाय का टाइम है, इधर बिस्किट्स वगैरह रखे हैं, अपनी चाय लेंगे, चाय वगैरह पीते हैं फिर चलते हैं रूम में, मेरा प्रशांत मज़े लेते हैं। ये गाइस हमारा रूम है,
और एसी वगैरह सब लग रहा है, अच्छी फैसिलिटीज मिल रखी है। ये दोस्त हमारा आंध्र प्रदेश से है, पर पैदा वहाँ पे हुआ है, यूएसए में, इंडिया शिफ्ट हो गया है अभी काफ़ी टाइम पहले। देखो ये अलमारी वगैरह है, मज़ा आ रहा है गाइस। गाइस आपको दिखाता हूँ रात में कैसा लगता है कोलकाता का साई। अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है इस साइड, हम लोग जा रहे हैं सीधे सीधे फिर उधर सामने, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये इधर गेस्ट वगैरह आते हैं या फैमिली से कोई आता है तो वो लोग इधर रुक सकते हैं, इधर रुकने का है। और मैं और प्रशांत अभी निकले हैं, रूम में बैठे हुए थे, फिर स्नैक्स वगैरह खाए थे, आज मिल्क शेक था। भूखा भाई रह ही नहीं सकता इधर, कुछ भूखा रहना बहुत ही मुश्किल है। जानबूझ के रहना चाहे तो कोई रह सकता है, पर कौन रहना चाहेगा, सब चीज़ अच्छी अच्छी मिलती हैं, सब चीज़ खाना वाना सब बढ़िया। ये बैग अभी लेके जा रहा हूँ, उधर से कुछ सामान लेके आना है। और ये मंदिर है, इधर आते हैं हम लोग, ये हमारा आर्चरी का साइन है, मतलब आर्चरी हॉस्टल के लिए। और चलते हैं, ये देखो रात में कुछ ऐसा है, बहुत लाइटिंग्स वगैरह हैं, पर पता नहीं आज थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। वो पीछे आप देख रहे हो फुटबॉल का स्टेडियम है, लाइट जल रही है, अंदर से बहुत बड़ा है। हम लोग जाते हैं, अभी तक तो गए नहीं है, कोई मैच होगा तो जाएंगे। काफ़ी सारे मैच होते हैं, सुनील छेत्री वेत्री सब आते हैं इधर, अच्छे अच्छे जितने भी फुटबॉलर हैं इंडिया के। ये वाला फुटबॉल का कोर्ट, बहुत बड़ी बड़ी लाइट लग रही है, पूरा खतरनाक। ये देखो ऐसा लग रहा है कि अभी भी सुबह हो रही है, ज़्यादा हो नहीं हो, अभी शाम के शायद 7:30 बज रहे हैं और लग ही नहीं रहा कि 7:30 हो रहे हैं। बहुत मज़ा आता है भाई। और एथलेटिक्स का ग्राउंड मैंने दिखाया नहीं था, रात में और अच्छा लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे वाली गेट चलें, सलीम चलें, मैं आपको दिखाता हूँ एथलेटिक्स का ग्राउंड। ये है, ये देखो पूरा सिंथेटिक है, सुबह इसमें ही रनिंग होती है, इसके 5-6 राउंड रनिंग करते हैं, फिर उसके बाद अपना जो एक्सरसाइज वगैरह है वो करते हैं। भाई बहुत बड़ा है, ये देख सकते हो, ये सिंथेटिक का ग्राउंड है पूरा एथलेटिक्स वालों का, बहुत बड़ा है भाई, बहुत मतलब ही मज़ा आता है रनिंग करने के लिए। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और व्लॉग डालता रहूँगा, अब थोड़ा रेगुलर डाला करूँगा। और देखो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अच्छी अच्छी वीडियो स्पोर्ट्स के ऊपर ही ज़्यादातर आया करेंगे। और अब इधर आ गया हूँ तो थोड़ा बाहर का भी दिखाया करूँगा कि कैसा है कोलकाता, कैसा नहीं है। चलो बाय, मिलते हैं बाद में। इससे कुछ ऐसा दिखता है साईं, और ये वाला एंट्री गेट है, अभी ये मंदिर भी है, बाहर पूजा चल रही है। और मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, इंतजार करो, जल्दी डालूंगा दूसरा ब्लॉग। ओके बाय गाइज़।